हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर के डायरेक्ट सेकेंड ईयर के कट ऑफ्स के बारे में। ये कट ऑफ्स आपको हेल्प करेंगे ताकि आप जान सको कि आपको इस कॉलेज में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा और इस कॉलेज में जितने भी ब्रांच है उसका डायरेक्ट सेकेंड ईयर का कट ऑफ्स कितना जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। ऑल्सो, अगर आप चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं जैसे ही वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हर एक कॉलेज का अपना एक डीटी कोड होता है, वैसे ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर का डीटी कोड 4012 यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है 4012। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली ब्रांच है वो है सिविल इंजीनियरिंग की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की दो शिफ्ट होती है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। सो फ्रेंड्स, मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट के कट ऑफ बता देता हूँ, सेकेंड शिफ्ट के कट ऑफ आप वीडियो पॉज कर देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें जो जनरल ओपन का कट ऑफ जाता है HSC साइंस के स्टूडेंट्स के लिए वो जाता है 85%, ITI वालों के लिए जाता है 73%, MCVC वालों का कट ऑफ जाता है 72%, EWS में HSC साइंस का कट ऑफ जाता है 56.31%, बाइफोकल वालों का कट ऑफ जाता है 76%, जनरल SC का कट ऑफ जाता है HSC साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 77%, बाइफोकल वालों के लिए जाता है 60%, ST में MCVC वालों का कट ऑफ जाता है 54.62% सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट शिफ्ट इस ब्रांच के लिए। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है सिविल इंजीनियरिंग की सेकंड शिफ्ट के कट ऑफ। सो फ्रेंड्स, आप इसे वीडियो पॉज कर देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जनरल OBC का कट ऑफ जाता है बाइफोकल वालों के लिए वो जाता है 75%, NTA का कट ऑफ जाता है HSC साइंस के लिए 80%, जनरल ओपन कट ऑफ जाता है ITI वालों के लिए 80.31% और EWS में HSC साइंस का कट ऑफ जाता है 69.69% कंप्यूटर इंजीनियरिंग इस ब्रांच के लिए। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, इसमें जो जनरल SC का कट ऑफ जाता है HSC साइंस वालों के लिए वो जाता है 85%, जनरल ओपन का कट ऑफ जाता है ITI के स्टूडेंट्स के लिए 80%, MCVC वालों का कट ऑफ जाता है 73% और EWS में HSC साइंस का कट ऑफ जाता है 44.92% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस ब्रांच के लिए। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरल ओपन का कट ऑफ जाता है ITI वालों के लिए 85%, HSC MCVC वालों का कट ऑफ जाता है 86%, OBC का कट ऑफ जाता है HSC साइंस के लिए 82%, ITI वालों का कट ऑफ जाता है 81% और EWS में ITI वालों का कट ऑफ जाता है 70.85% इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस ब्रांच के लिए। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स, इसकी भी यहाँ पर दो शिफ्ट होती है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। सो फ्रेंड्स, मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट के कट ऑफ बता देता हूँ, सेकंड शिफ्ट के कट ऑफ आप वीडियो पॉज कर देख लेना। सो फ्रेंड्स, इसमें जनरल ओपन कट ऑफ जाता है HSC साइंस वालों के लिए 78%, बाइफोकल के लिए जाता है 68%, ITI वालों के लिए जाता है 67% और MCVC वालों का कट ऑफ जाता है 77%, जनरल SC का कट ऑफ जाता है MCVC वालों के लिए 73%, OBC का कट ऑफ जाता है बाइफोकल वालों के लिए 51.08%, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इस ब्रांच के लिए। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये इसके सेकंड शिफ्ट के कट ऑफ है, आप इसे वीडियो पॉज कर देख लेना। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो इसकी फीमेल ब्रांच है। सो फ्रेंड्स, इसके भी कट ऑफ आप वीडियो पॉज कर देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, इसमें जनरल ओपन कट ऑफ जाता है HSC साइंस वालों के लिए 77%, EWS में HSC साइंस वालों का कट ऑफ जाता है 49.23% पैकेजिंग टेक्नोलॉजी इस ब्रांच के लिए। सो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जनरल ओपन का कट ऑफ जाता है 77%, OBC का कट ऑफ जाता है HSC साइंस वालों के लिए 74% और फ्रेंड्स, जनरल ओपन में MCVC वालों का कट ऑफ जाता है 80%, EWS में HSC साइंस वालों का कट ऑफ जाता है 56.93% ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इस ब्रांच के लिए। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी यहाँ पे दो शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। सो फ्रेंड्स, इसमें जनरल ओपन का कट ऑफ जाता है HSC साइंस वालों के लिए 81%, ITI वालों के लिए जाता है 79%, जनरल SC में HSC साइंस वालों का कट ऑफ जाता है 77%, ST में ITI वालों का कट ऑफ जाता है 64% मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस ब्रांच के लिए। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है इसकी सेकंड शिफ्ट।
स्टूडेंट। सो फ्रेंड्स आप इसके कट ऑफ वीडियो पॉज कर देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। सो फ्रेंड्स जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड्स इसमें जनरल ओपन का कट ऑफ जाता है HSC साइंस वालों के लिए 74%, OBC का कट ऑफ जाता है HSC साइंस वालों के लिए 72%, जनरल SC का कट ऑफ जाता है HSC साइंस वालों के लिए 57.23% मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग इस ब्रांच के लिए। सो फ्रेंड्स हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है माइनिंग एंड माइन सर्वाइविंग। सो फ्रेंड्स इसमें जनरल ST का कट ऑफ जाता है HSC साइंस वालों के लिए 67%, EWS में HSC साइंस वालों का कट ऑफ जाता है 53.54% माइनिंग एंड माइन सर्वाइविंग इस ब्रांच के लिए। सो फ्रेंड्स हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म। सो फ्रेंड्स इसमें जनरल ओपन का कट ऑफ जाता है 59%, बाइफोकल वालों का कट ऑफ जाता है 60% और MCVC वालों का कट ऑफ जाता है 63.38%। और फ्रेंड्स जो OBC का कट ऑफ है HSC साइंस वालों के लिए वो जाता है 57%, जनरल SC का कट ऑफ जाता है HSC साइंस वालों के लिए 55.69% ट्रैवल एंड टूरिज्म इस ब्रांच के लिए। सो फ्रेंड्स जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है और लास्ट ब्रांच है वो है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। सो फ्रेंड्स इसमें जनरल ओपन का कट ऑफ जाता है HSC साइंस वालों के लिए 73.69%, बाइफोकल वालों के लिए जाता है 60%, ITI वालों के लिए जाता है 72%, जनरल SC का कट ऑफ जाता है HSC साइंस वालों के लिए 73.23% ट्रैवल एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इस ब्रांच के लिए। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अपडेट्स और एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बीच में जो टेक्निकल ग्लिच हो गया होगा उसके लिए सॉरी। मिलते हैं ऐसे किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।